फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, किसी भी नंबर को आप एक्सपोर्ट यानी कि जीमेल आईडी या फिर कहीं और शेयर करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते तो वो कर सकते हैं, और इंपोर्ट करना चाहते हैं यानी कि आप लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इफ सेटिंग आपको कहाँ दिखता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और उसको कैसे आप गूगल ड्राइव, फेसबुक या फिर कहीं भी संभाल के रख सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर को, या फिर SD कार्ड में। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करना बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे पास जो फ़ोन है आप देख सकते हैं, ये फ़ोन है रेडमी का, रेडमी 9 प्राइम, और इसमें आपको बताने वाला हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेटिंग। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डायल पैड दिखेगा तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे रीसेंट दिखेगा और इस पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस वाले सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे और भी फीचर्स देखने को मिलता है, बट इन सब पे बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ कॉन्टेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाता है सिम में, स्टोरेज में आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा सारे शो हो जाएगा। कॉन्टेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से शेयर कर सकते हैं इन सभी को ईजीली, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा इसमें है, ठीक है, और इसमें 200 कॉन्टेक्ट नंबर आपको देखने को मिल जाता है जो कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, और इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ से इजीली ग्रुप बना सकते हैं और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और भी नंबर को। और यहाँ पे देखने को मिलता है इंपोर्ट, इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपका जीमेल आईडी वगैरह यहाँ पे वगैरह, मेरा कुछ नहीं है, होता तो यहाँ पे शो होता जीमेल आईडी से मैं इंपोर्ट करता और मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में शो हो जाता, ठीक है। इंपोर्ट सिम कार्ड से भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से सभी नंबर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, सिलेक्ट करके उनको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो इंपोर्ट के ऑप्शंस हो गया, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जीमेल आईडी है नहीं जिसको उनमें से मैं इंपोर्ट कर सकूँ। तो अब मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिस्ट बन जाएगा और एक्सपोर्टेड आपको लिखा आएगा फाइल, और एक फाइल में कन्वर्ट होके आप उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी सेव कर सकते हैं। ये तो हो गया स्टोरेज वाला। अब यहाँ पे सिम का ऑप्शन देखने को मिलता है, अब सिम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी सिम में करीब करीब 200 कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि मेरा सेव है, और उसको मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं उसको ईजीली फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी शेयर कर सकता हूँ और इन सबको भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे शेयर पे क्लिक करते हैं तो इनमें से ये भी और इन सबको शेयर कर सकते हैं यहाँ से इजीली, ब्लूटूथ के जरिए, शेयरिट के जरिए, या फिर आप गूगल ड्राइव पे, जीमेल आईडी पे, या फिर SD कार्ड में, या भी ब्लूटूथ के जरिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फाइल को शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।